अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब और गुजरात के बीच मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब के 4 मैचों में 2 पॉइंट है, गुजरात के 3 मैचों में 4 पॉइंट है। गुजरात पंजाब ने अब तक 3 IPL मैच खेले हैं, जीटी ने उनमें से 2 और पंजाब ने 1 मैच जीता है। गुजरात अपना आखिरी मैच हैदराबाद के खिलाफ जीत कर आ रहा है, जबकि पंजाब अपना पिछला मुकाबला लखनऊ के खिलाफ हार कर आ रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज शिवम मावी IPL सीजन 17 से बाहर हो गए हैं। फ्रेंचाइजी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। LSG को शिवम के बाहर होने से बड़ा झटका लगा है। फ्रेंचाइजी ने मावी को पिछले साल नीलामी में 6.4 करोड़ रुपयों में खरीदा था। शिवम मावी बिना खेले IPL से बाहर हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने दिया झटका, IPL को बीच में छोड़कर अपने देश वापस लौट गए हैं। हैदराबाद के खिलाफ मैच में वो नहीं खेलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा में आ रही दिक्कतों के चलते स्वदेश लौट गए हैं मुस्तफिजुर रहमान। टूर्नामेंट में रहमान के नाम सबसे ज्यादा 7 विकेट दर्ज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज एम सिद्धार्थ ने विराट कोहली पर एक बयान दिया है। एम सिद्धार्थ ने बताया कि मैंने हमेशा विराट का विकेट लेने का सपना देखा था। दुनिया में कोई भी विराट को आउट करके खुश होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा विकेट है। LSG के खिलाफ विराट 22 रन पर थे, उस दौरान सिद्धार्थ ने विराट कोहली को आउट कर दिया था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अंबती रायडू ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अंबती रायडू ने बताया है कि RCB पिछले 16 सालों से IPL का खिताब क्यों नहीं जीत पाई। रायडू ने खुलासा करते हुए बताया कि RCB की गेंदबाजी बहुत ज्यादा रन देती है और बल्लेबाजी औसत दर्जे की है। प्रेशर के वक्त कोई नामी खिलाड़ी रन नहीं बनाता है, इसीलिए RCB ने खिताब नहीं जीता है। IPL में लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले लखनऊ के गेंदबाज मयंक यादव ने बड़ा बयान दिया है। मयंक ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा सपना भारतीय टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना है, फिलहाल मेरा ध्यान अपने टारगेट को हासिल करने पर है। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 192 रनों से हराने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग्स में श्रीलंका ने छलांग लगाई है। रैंकिंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़कर श्रीलंका की टीम 4th नंबर पर पहुंच गई है। WTC रैंकिंग में भारत पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, जबकि न्यूजीलैंड तीसरे पायदान पर है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 17 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच खेली जाएगी। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल होंगे। माइकल ब्रेसवेल पिछले साल मार्च में चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड टीम से बाहर हो गए थे। पाकिस्तान के घरेलू मैदान पर होने वाली सीरीज के मैच लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। T20 वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं जोफ्रा आर्चर पिछले कुछ समय से चोट से परेशान चल रहे थे। फिलहाल जोफ्रा आर्चर T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। काउंटी टीम के कोच पॉल फारब्रेस ने बताया कि आर्चर ने गेंदबाजी शुरू कर दी है और उनका फोकस T20 वर्ल्ड कप की तरफ है। भारत बांग्लादेश की वुमेन्स क्रिकेट टीमों के बीच 28 अप्रैल से 5 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 5 मैचों के दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। दोनों टीमों के बीच ये सीरीज 9 मई तक खेली जाएगी। सीरीज के 3 मैच सिलहट में खेले जाएंगे।